टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर और सिक्सर किंग युवराज सिंह आज 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। युवराज का जन्म 12 दिसंबर 1981 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। युवराज सिंह फिलहाल अपने खराब फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन इस हीरो ने जिस तरह से अपनी असल जिंदगी में कैंसर से जंग जीत कर मैदान में वापसी की, उसे देखकर माना जा रहा है युवी फिटनेस से लड़कर भी जल्द मैदान पर वापसी करते हुए दिखाई देंगे। आइए जानते हैं 2007 और 2011 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज के इस हीरो की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने सच। युवी हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं, वो अक्सर मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। माना जाता है कि ऐसा उनके पंजाबी परिवार में जन्म लेने की वजह से है। युवी कभी भी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें क्रिकेट को अपना करियर बनाना पड़ा। युवी को अपने पिता युवराज सिंह की वजह से क्रिकेट खेलनी पड़ती थी। युवराज स्वभाव से बेहद ही सख्त इंसान हैं और युवराज जब भी क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं किया करते थे तो वो उन्हें सोते हुए उठाकर रात को ही लाइट की रोशनी में उन्हें प्रैक्टिस करवाया करते थे। युवराज के पिता ने एक बार कहा भी है कि वो युवराज को क्रिकेट के शिखर पर जाता हुआ देखना चाहते थे और युवी ने वो करके दिखाया। युवराज की ही बदौलत टीम इंडिया ने 2007 में T20 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता। ये युवराज सिंह के 11वें बर्थडे की फोटो है। इस फोटो में युवी अपनी माँ सबनम सिंह और छोटे भाई जोरावर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। युवराज सिंह उन खिलाड़ियों में से हैं जिनका ड्रेसिंग रूम में सभी से याराना है। युवराज सिंह की दोस्ती हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान और वीरेंद्र सहवाग से कितनी गहरी है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों का भी खूब सम्मान करते हैं। युवी सचिन तेंदुलकर को अपना भगवान मानते हैं। युवी राहुल द्रविड़ के भी बेहद करीब रहे। क्रिकेट की कई बारीकियां के बारे में युवी ने राहुल के साथ रहकर ही जानी। युवी और मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने अपनी कमाल की फील्डिंग से टीम इंडिया का लेवल बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया। टीम इंडिया में युवी और जहीर खान ने एक साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक दोनों की दोस्ती बेहद गहरी रही है। ये दोनों अब भी साथ मस्ती करते हुए नजर आ जाते हैं। युवराज और हरभजन टीम इंडिया खेलने से पहले ही एक दूसरे को जानते थे और पंजाब के लिए खेल चुके हैं। हरभजन ने युवी से पहले टीम इंडिया में जगह पाली थी, लेकिन इन दोनों की दोस्ती आज भी पहले जैसी ही है। युवी और माही की जोड़ी ने टीम इंडिया को जितने मैच जीतवाए हैं उतने शायद किसी और जोड़ी ने नहीं किया है। ये तस्वीर इन दोनों के शुरुआती करियर की है। युवराज सिंह हमेशा पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के उन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं जिन्हें उन्होंने हमेशा अपनी टीम से खिलाया और खराब फॉर्म के समय सपोर्ट किया। गांगुली को लेकर युवी भी कह चुके हैं कि दादा ही मेरे फेवरेट कप्तान हैं। युवराज सिंह की जिंदगी में रंगीनियों से भी भरी रही। उनका नाम कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। सबसे पहले उनका नाम दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ा। दोनों की डेटिंग की चर्चाएं कभी मीडिया की खूब सुर्खियां बनी। कहा तो यह भी गया कि युवी और किम शर्मा दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शायद इस जोड़ी को किसी की नजर लग गई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन सब के बीच आखिरकार युवराज ने बॉलीवुड की एक ट्रेस हेचल की से शादी कर ली और ये दोनों अब अपनी खुशहाल शादीशुदा लाइफ जी रहे हैं।